दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक लेडी डॉन को पकड़ा है। दरअसल ये लेडी डॉन ड्रग तस्करी के धंधे की माफिया क्वीन है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक महिला जो है वो संदिग्ध हालत में दिल्ली की खान मार्केट इलाके की तरफ से आएगी, और पुलिस वहां पर पहुंची तो देखा कि एक ऑटो से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में उतर रही थी। पुलिस को देखते ही वो महिला शातिराना तरीके से पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर जाल बिछा रखा था। इसके बाद पुलिस ने महिला को पकड़ा। महिला के पास तकरीबन बैग के अंदर 250 पैकेट थे। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसमें से ड्रग्स मिले थे। ये हेरोइन थी और इसके अलावा जो दूसरे ड्रग्स थे वो भी थे। 73 ग्राम हेरोइन पुलिस ने इस महिला के कब्जे से बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की है। और बताया जा रहा है कि महिला काफी ज्यादा शातिराना बदमाश है और ये ड्रग सप्लाई करने के धंधे में इन्वॉल्व है। पिछले काफ़ी समय से ये जो महिला है वो ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ये ड्रग्स को हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी सप्लाई करती थी। महिला की उम्र तकरीबन 27 साल है। उसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो खान मार्केट की तरफ से एमबी रोड के पास आई और वहीं पर पुलिस ने इसको धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि इस महिला की गिरफ्तारी से एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये महिला कितने समय से इस ड्रग सप्लाई करने के धंधे में इन्वॉल्व है, कौन कौन उस धंधे में। लेकिन जिस तरीके से साउथ दिल्ली को इस महिला ने ड्रग तस्करी और सप्लाई करने का एक बड़ा अड्डा बना रखा था, महिला की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा नेक्सस पुलिस ने तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस महिला को ड्रग तस्करी और सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ पुनीत शर्मा, टीवी।